तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को अगर देखोगे बेसिकली, तो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं कि वन लेवल एसर्सन ए और एसर्सन जो है पेंडुलम क्लॉक की टेकन टू माउंट एवरेस्ट बिकेम फास्ट। तो देखो ये ग्राउंड है और ग्राउंड एवरेस्ट से अगर माउंट एवरेस्ट पर, ये माउंट एवरेस्ट है तो माउंट एवरेस्ट पर अगर तुम पेंडुलम लेके जाओगे भाई ग्राउंड से, तो यहाँ तो जी की वैल्यू जी थी, तो माउंट एवरेस्ट पर यहाँ पर कोई आदमी पेंडुलम लेके गया तो वहाँ तो जी की वैल्यू जी डैश होगी जो कि कम होगी, जी डैश इज लेस देन जी, ग्राउंड से तो कम ही आएगी। तो अगर टाइम पीरियड देखोगे तो टाइम पीरियड क्या होता है ग्राउंड पे, 2 पाई L/G, तो वही सिंपल पेंडुलम है, तो जी की वैल्यू माउंट एवरेस्ट पर डिक्रीज हो गई तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। टाइम पीरियड इंक्रीज मतलब जो पेंडुलम है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है ना, पेंडुलम विल बिकम स्लो, फास्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जो एसर्सन है वो बिल्कुल गलत कह रहा है। और दूसरा ये है द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस एट माउंट एवरेस्ट, जी बिल्कुल हाइट की वैल्यू बढ़ेगी, हाइट की वैल्यू बढ़ेगी तो जी की वैल्यू कम होगी, ठीक है ना। तो इज माउंट एवरेस्ट लेस देन द वैल्यू ऑफ, तो जो रीजन है वो सही है और एसर्सन गलत है। इन द लाइट ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट बोथ हैव बीन करेक्ट, ये तो बिल्कुल गलत है, बोथ इन करेक्ट, ये तो बिल्कुल गलत है, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया, बहुत आसान सवाल था।